इस टाइम हम श्रवण में ये मोहन जी की ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, इस टाइप से जो ये तिरछे कट में है, वन साइड कट। और ये अंकु भाई जिनकी ग्राफ्ट कर रही है, दिखाओ अंकु भाई, जो इनकी ग्राफ्टिंग हम 2-3 साल से कर रहे हैं। पिछले पेड़ दिखाओ जो कन्वर्ट किए थे, जो इनके पहले कन्वर्ट किए गए थे, वो प्लांट जो 2 साल और 1 साल के, वो दिखाओ। बोलो को चाय पीला। ये वन ईयर प्लांट, ये रमेश जी ने 1 ईयर प्लांट जो ग्राफ्ट किए हैं, अभी 1 साल के हुए हैं। ये देखिए ग्रोथ करीब 7 से 8 फुट ग्रोथ है 1 साल में ही, और पूरा पेड़ आपका बन चुका है 1 साल में ही। और ये जो है ये तीसरी साल में लगे है, यानी कि 2 साल कंप्लीट है। ये देखिए स्पर, इसमें स्पर आ चुके हैं। इस बार अच्छी क्रॉप आने की संभावना है, पिछली साल ही इन्होंने सैंपल दे दिया था। और ये देखिए पूरा पेड़ बन चुका है, फुल क्रॉप पे आ जाएंगे इस साल। ये देखिए 2 साल कंप्लीट, थर्ड ईयर में लगे हैं। और स्पर देखिए, हम अंकु भाई और मदन भाई से ग्राफ्टिंग थोड़ा सा सिखा रहे हैं कि किस टाइप से करते हैं हम। या मदन जी, हाँ देखो स्टाइल इसका ग्राफ्ट का, ये तिरछा कटू था ना जी, तो जो कट देना है हमने ऐसे, ये मैंने यहाँ से कट दिया, ये देखना पे, तो इधर को नहीं जाऊँगा मैं साइड को, बस ये है वन साइड कट, ये एक साइड में ही ग्राफ्ट करनी है कि इस टाइप से। देखो ये इसकी बोरनी रखी जाती है, और ये देखना भाई यहाँ से ये इस स्टाइल से किया जाता है इधर, नहीं तो ये सूख जाता अगर ऐसा ना करें। ये मैंने बना दिया, फिर ग्राफ्टिंग की बारी आती है, ग्रोथिंग भी बताता हूँ मैं, ग्रोथ कहाँ से आती है, जो ग्राफ्ट में ग्रोथ होती है ना इसमें आती है। तो अब मैंने यहाँ लगानी है इस एंगल में, जो ये आँख है आपकी ना, ये यहाँ चीज, फिर आएंगे ये जब आप ऐसे को करेंगे इसको, ऐसे को बनाए, ये मैंने यहाँ से किया, ये लंबी यहाँ से ऐसे को करना है, ये ऐसे, ये देखो ना पूरा कर दिया इसका, ये गोड़ा दिखाना बीच का जो मैंने है इसका, ये होता है ये वाला, ये देखो आप ये वाइट वाला गोड़ा दिखा, ये इस टाइप से नहीं कटेगा ना इस टाइप से, ये इसके पीछे से कटेगा ऐसे को, यहाँ से बनाऊँगा मैं इस टाइप से ना, देखना मैं भी, ये यहाँ से ऐसे चाकू लाया आगे ऐसे ऐसे यहाँ तक, ये आँख तक, आँख आँख तक आना चाहिए, फिर आँख यहाँ आएंगी आपकी, नहीं तो नहीं आएंगी, ये इस स्टाइल से। और ये गोला देखो बीच का, ये निकटना चाहिए, तो आपने यहाँ से ही चाकू शुरू करना, जहाँ से हमने गाड़ा था ना पर पहले फाड़ने के लिए, फिर हमने ये चाकू आराम से देखना भाभी बड़े प्यार से इस तक ले जाना है, जहाँ तक आपका ये देखो ये फटा, इस साइड से फटा नहीं, नहीं फटा ना नहीं। तो अब देखो कैसे आसानी से लगती है नीचे, यहाँ से दिखाओ आप अंकु भाई, ये साइड से ये देखो, ये डाल दी मैंने, ये देखो स्पाइस है लगी ना ऐसे, ये देखो ये पट्टी आनी चाहिए यहाँ इस स्टाइल से लगी ना, ये आनी चाहिए ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये होता है जॉइंट, देखो आप हिलाओ नहीं नहीं हिल, बोलते बोलो हिल जाती है नहीं। तो रैपिंग का देखना भी आपने कैसे होता है, आसान तरीका भी दिखाना भाई, यहाँ से पकड़ा मैंने, यहाँ से दिखाना भी आप, ये पकड़ा मैंने यहाँ का ऐसे है, यहाँ से एक लपेटा ऐसे, जब यहाँ पहुँचे ना तो ये ऐसे लाया ना जब, तो यहाँ से ये उंगली ऐसे की देखना भाई, एलो एक ही इसमें एलो, रैपिंग का जो होता है ये देखो, अब दिखाओ यहाँ से रैपिंग, ये बोलो भाई आप इस तरीके से ग्राफ्ट। अब फटा कहीं से, इधर से फटा, दिखाओ इधर से आप, इधर से फटा, तो इस स्टाइल से जो ग्राफ्ट, बोलो आप बेटर है टाइप से ये ग्राफ्ट करते हुए ML ऑर्चर्ड की ये दिखाते हैं अंकु भाई, जो जिनकी हम ग्राफ्ट कर रहे हैं, ये इनके फादर ML वर्मा जी, ये दिखाते हैं हम अभी आपको ग्राफ्ट इस तरीके से जो ग्राफ्ट कर रहे हैं, ये दिखाओ इस तरीके से मिलना चाहिए, और ये पत्ती जैसे आनी चाहिए, जो
और रैपिंग का जो ये स्टाइल होता है इस तरह से, जो इसमें लपेटे लगते हैं यहाँ से ही इस टाइप से ये जो बांधी जाती है इस टाइप से। तो अभी दिखाते हैं हम आपको यहाँ बना के, ये दिखाऊँ तो भाई इधर को दिखाना, ये ग्राफ्ट बनाते हुए, ये हम ग्राफ्ट बना रहे इस टाइम। और इसका व्यू था ये वाला, जैसे यहाँ लगानी मैंने तो यहाँ ऐसे ऐसे कटिंग, और जितनी आप लंबी लगाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। जो भी मेरी वीडियो देखे तो आपने ये लंबी जितनी लंबी हो सके ये इस स्टाइल से ये गोला जो है बीच में ले आना, जितनी आप लंबी बना सके इस स्टाइल से तो उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ होगी, इतनी लंबी चाहिए। फिर लगाने का देखो बढ़िया ये स्टाइल से क्या जाएगा, वन साइड करते हैं चाकू ऐसे बिल्कुल बराबर में लाया जाएगा इस स्टाइल से, यहाँ इस साइड को फाड़ा नहीं जाएगा। और फिर देखो आप कितनी आसानी से ये ग्राफ्ट लगती है, ये अंगूठा के रख के ये दबाया जाएगा। अब दिखाऊँ कुआ है, ये दिखाओ यहाँ से, और इतनी लंबी जानी चाहिए नीचे, यहाँ देखो यहाँ तक है ये, इतनी लंबी ग्राफ्ट लगाएंगे आप तो देखो कितनी ग्रोथ होती है स्टाइल से, जो हम कर रहे हैं इस टाइम ML ऑर्चर्ड में। ग्राफ्ट और लपेटने का जो तरीका है वो बताता हूँ मैं आपको, ऐसे ये कागज़ हमने यहाँ पकड़ा तो पहले एक राउंड ये लगेगा, तो दूसरा राउंड हम यहाँ से ही पकड़ेंगे, ये एक ही राउंड पे जो ये कागज़ इतना ही लगेगा, ज़्यादा नहीं रैपिंग होगी और लपेटा नीचे को जाएगा। इस तरीके से जो ग्राफ्ट की जा रही है, अभी इधर को दिखाते हैं हम आपको। अब हम ऊपर को लगाएंगे ये वाला जो ग्राफ्ट किया गया प्लाट है, अब यहाँ लगाएंगे स्टाइल से इस साइड में, तो इस स्टाइल से ये कटी जाएंगी। ये देखना भाई अंकु भाई ऐसे, ये इधर सीधा, ये अगला पोर्शन थोड़ा पतला जिससे गोला दिख जाए, ये वाला गोला दिख गया ना, तो हम यहाँ से चलेंगे इतनी लंबी बनाएंगे इसको, तो ऐसे ये हम ये यहाँ, तो ये इस टाइप से बननी चाहिए लंबी, जितनी आप लंबी बना सके। फिर ये देखो लगाने का बढ़िया तरीका, ये देखो ऐसे चाकू करेंगे आप खड़ा, यहाँ इधर से भी नहीं फाड़ेंगे, पूरा खुलता है यहाँ से, ये देखो। अब अंगूठा आगे रख के दबा दो, जितनी ज़ोर से दबे पूरी दबा दो, फिर चाकू निकाल दो। अब दिखाओ अंकु भाई इधर से फटा, ये दिखा दो ऐसे, ये पट्टी इस गुलाई में आती है। अब इधर से दिखाओ इस साइड से फटा, इस साइड से वन साइड काम है ये हमारा जो ग्राफ्ट करते हैं इस तरीके से, वन साइड यहाँ से भी नहीं फाड़ेंगे, जो ये वर्क हो रहा है वन साइड कट से ML वर्मा का, ये देखिए आप इस स्टाइल से ग्राफ्ट होंगी। और लपेटने का तरीका ये देखिए आप, ये पहला राउंड लगा दिया मैंने, जब यहाँ पहुँचे कागज तो यहाँ से ही पकड़ना है, ये देखो मैं पहले ही राउंड में ही लपेट देता हूँ, ये लो जी ये लपेटने का जो तरीका है, ये आपका लपेटने का तरीका है इस स्टाइल से अगर आप ग्राफ्ट करते हैं। क्यों अंकु भाई सक्सेसफुल है ना, बिल्कुल 100%। आप पीछे दिखाओ जरा इन प्लांटों को, जो हमने पिछले साल और वो साल किए ये देखिए, एक साल का प्लांट, पिछली साल इसमें ग्राफ्ट की थी और इस साल ग्रोथ देखिए पूरा फिलअप हो चुका है, घाव देखिए पूरे फिलअप है, यहाँ देखिए 3 साल के इसमें यहाँ से ग्राफ्ट हुआ है, ये पूरी तरह से फिलअप हो चुका है, ये यहाँ देखिए ये पूरी तरह से फिलअप हो चुका है, ये देखिए इसकी ग्रोथ ऊपर को पूरी तरह से फिलअप, ये देखिए हाइट इसकी ये पूरी तरह से फिलअप होते हुए, ये देखिए ये देखिए जो ये आरी का यूज़ किया जा रहा है, ये देखो साफ कट, ये देखो पूरे साफ कट, ये जो आरी है ये देखिए आप, जो जिसका उपयोग किया जा रहा है
आरएस एआरएस मेड इन जापान है। ये देखिए आरी जो आपको दिखाते हैं, ये लीजिए। और इतने साफ कट लगते हैं इससे, इस आरी से जो, ये देखो कितने साफ कट मारती है आरी। ये लीजिए, ये देखिए पूरा साफ कट मारती है। ये देखिए बूर भी पूरा छोड़ती है। ये भी दिखाएंगे ग्राफ्टिंग करते हुए। ये देखिए मॉइस्चर जो पूरी तरह आ चुका है। ये देखिए इस टाइप से जो ये ग्राफ्ट की गई है, ये देखिए मॉइस्चर जो इसमें आया है, इसमें तो फुल आ गया जी है, खींच के आया हुआ मॉइस्चर। देखो इस स्पीड में चाहिए जी, फिर ही तो बात बनेगी इसमें। देखो ये देखिए मॉइस्चर जो इस टाइम मोहन जी की ग्राफ्टिंग कर रही है। ये वाला प्लांट भी देखिए जो कन्वर्ट कर रहे हैं हम इस तरीके से, आधा कर चुके हैं। ये देखो साथों साथ ही मॉइस्चर पूरा चढ़ जाता है। ये देखिए करते करते ही इस टाइप से होनी चाहिए, सिंगल पे बढ़िया जो ग्राफ्ट की जाती है इस टाइप से।